has to be investigated. Without investigation, without inquiry, enforcement directorate is taking a statement of an arrested person and giving it to the public during the course of the election. Whether it has happened before? Therefore, this type of tactics is not going to serve the purpose. People are not fools. They know about the BJP's tactics. In Rajasthan, we saw that you are raided Chief Minister's son's house. You are raided our PCC President's son's house. Nothing had been found out. But on the other hand, your own officer caught by the state police on the issue of bribe. Therefore, this is going to be very clear that they are in panic situation. They know that they are losing the ground. They know that they are losing the states. That is why they are creating. But we are very sure and we are very clear that we will go to the people. Definitely people of Chhattisgarh know about Baghel ji. Chhattisgarh, people of Rajasthan know about Ashok Gahlot ji. We will take this issue to the court of the people. I would request Singhvi ji to elaborate. Venugopal ji, Jairam ji, doston, jaisa ki meri doston ne kaha, ye sarv vidit hai ki Chhattisgarh mein बुरी हार की तरफ अग्रसर है बीजेपी. पूरी दुनिया जानती है, वो जानते हैं, और हर मापदंड से ये सर्वविदित है. यह भी सर्वविदित है कि ईडी के साथ साझेदारी कह लीजिए, पार्टनरशिप, गठबंधन कह लीजिए, सहयोग कह लीजिए, ईडी के साथ साझेदारी, गठबंधन और सहयोग बीजेपी सरकार और बीजेपी पार्टी का तीव्रता से बढ़ रहा है जैसे जैसे वो हार उनके पास आ रही है. लेकिन ऐसे मापदंडों के बाद भी इतनी घृणात्मक स्थिति पहुंचाएगी ये सरकार बीजेपी वाली और बीजेपी पार्टी, ये मैं समझता हूं इस देश ने सोचा नहीं था. और ये क्यों घृणात्मक बताना चाहता हूं आपको, जो उन्होंने खुद ने कीर्तिमान और मापदंड और मील पत्थर स्थापित किए उनसे भी आगे जाता है ये केस. ये इसमें एक मजाकिया बात यह है कि डेढ़ वर्ष पहले जो पहला कोतवाल है यानी छत्तीसगढ़ पुलिस, वो पहला कोतवाल जांच शुरू कर देता है, अभियुक्त बना देता है, बहुत सारी चीजें जब्त कर लेता है, और उसके डेढ़ साल बाद चुनाव के बीच में, चार दिन बचे हैं पहले प्रसंग के और 15 दिन में सब कुछ ओवर है छत्तीसगढ़ में, उसके डेढ़ साल बाद दूसरा कोतवाल छलांग लगाता है केंद्र सरकार के निर्देश पे यानी ईडी, और कई कर्मचारियों के ऊपर प्रताड़नाएं करता है, जो बताने वाला हूं मैं आपको किस प्रकार की प्रताड़नाएं. तो ये जाहिर है कि ऐसे ही नहीं बनाया गया है फर्जी मामला, ऐसे ही नहीं कस रहे हैं नकेल, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत रहे हैं भूपेश बघेल. मैं आपको इसके बारे में बताऊं साहब, हम आपको देने वाले हैं अभी दस्तावेज जिसमें एक चार्ट है पीछे, ये दुर्भाग्य की चार्ट है और रोचक चार्ट भी है. 2022 मार्च से लेके अभी तक, रायपुर ले लीजिए, दुर्ग ले लीजिए, बिलासपुर ले लीजिए, जगदलपुर ले लीजिए, अंबिकापुर ले लीजिए, मैं आपको डिटेल्स नहीं दे रहा हूं, सब तरफ से लगभग 450 लोगों को गिरफ्तार किया है. किसने किया है? छत्तीसगढ़ पुलिस ने. मैंने कहा ना पहला कोतवाल. 72 केसेस रजिस्टर हुए हैं पूरे प्रदेश में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में. अब मैं उसकी सूची नहीं दूंगा आपको, लेकिन जो टोटल है, जो सामूहिक रूप से है, 191 लैपटॉप, 850 मोबाइल फोन, 200 से ज्यादा एटीएम कार्ड्स, 1.5 करोड़ रुपये और उसके अलावा बहुत सारे अंचल एसेट्स, कैश 16 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट्स के रुपये इत्यादि इत्यादि. ये सब पहले गात खत्म हो गई, तहकीकात हो गई, जब्त हो गए, कानूनी कार्रवाई हो गई,
उसके बाद क्या छत्तीसगढ़ पुलिस अखिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अधिकार क्षेत्र रखती है, जुरिसडिक्शन होता है? क्या वो दुबई जाने देगी केंद्र सरकार उनको? अगर दुबई जाने देती है केंद्र सरकार तो छत्तीसगढ़ सरकार वहां भी जाने को तैयार है? क्या वो लेटर्स रेगुलेटरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं, एक्सटेंडिशन की बात कर सकते हैं? तो डेढ़ साल में जब ये सब कर लिया, उसके बाद 6-8 महीने से ईडी ने शुरू कर दिया ये सब, उसको भी हो गए 6 महीने से ज्यादा। लेकिन प्रसंग तो अभी रुकना है, वो प्रसंग आएगा जब चुनाव चल रहे होंगे। तब जब चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताया जाता है एक और बहुत ही बखूबी एक कहानी कि हमने पकड़ा है ऐसे लोगों को जो वहां से रुपया लेके अभी चुनाव के वक्त चुनावी माहौल में रुपया देने आ रहे हैं। कभी आप सोच सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बॉडी कस्टम्स के जो बॉर्डर्स हैं और भारत के जो सीमाएं हैं उसको छत्तीसगढ़ पुलिस पुलिस करती है? कैसे हुआ ये, क्यों हुआ ये, कब हुआ ये? या सिर्फ इसलिए हुआ कि 4 दिन बाद पहली वोटिंग है और 15 दिन बाद सब वहां खत्म है चुनाव, और एक कोरियर का व्यक्ति एक वक्तव्य देता है? आपको मालूम है ये वक्तव्य कैसे निकाले जाते हैं ईडी द्वारा, और उस वक्तव्य के आधार पर आप पूरी कहानी बनाते हैं, और उसके बाद सबसे दुर्भाग्य की बात सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। कहानी बनाने के बाद सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। क्या आप सोचते हैं कि गधे हैं लोग या घास खाते हैं? उनकी आप इंटेलिजेंस को अपमानित कर रहे हैं कि हम पहले आरोप लगा देंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।